9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई डबल स्पीड से इस केस को सॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज पूरे 20 सितंबर है, 4 दिन हो गए हैं सीबीआई को ये केस पर काम करते हुए। और अब इस बीच एक ऐसा सवाल जो काफी दिन पहले उठा था सोनाली फोगाट के केस को लेकर, शायद उस सवाल का जवाब भी सीबीआई ने ढूंढ निकाला है। जी हां, आपको बता दें कि जब गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के नोएडा वाले फ्लैट पर जा पहुंची थी तो उस वक्त सोनाली फोगाट के उस फ्लैट से गोवा पुलिस को कई ज्वेलरी मिली थी, कई सबूत मिले थे, इसी के साथ मिली थी 2 चाबियां। जी हाँ, आपको बता दें जहां एक लॉकर और 2 चाबियों का एक बड़ा सवाल था। गोवा पुलिस के पास ये सवाल तो था कि 2 चाबियां मिली है, लेकिन आखिरकार ये चाबियां किस ताले की हैं, सवाल का जवाब नहीं मिला था। लेकिन अब सीबीआई की छानबीन में शायद इस सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि सीबीआई बीते 18 सितंबर को गोवा के ग्रैंड बियोनी रिसोर्ट पहुंची थी। यहाँ पर सीबीआई ने पहले पूरे केस सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान उस पूरे रिक्रिएटेड सीन की वीडियोग्राफी की गई, 3D मैपिंग भी की गई। इस दौरान कई सबूत मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और इसी के साथ मिले थे 2 सूटकेस भी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन 2 चाबियों का इन 2 सूटकेस के साथ कोई कनेक्शन बताया जा रहा। हालांकि अभी तक इस मामले पर सीबीआई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया कि क्या ये 2 सूटकेस उन्हीं 2 चाबियों के हैं या फिर ये 2 चाबियां उन्हीं 2 सूटकेस की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुराने सबूत इन नए सबूत से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब इस सूटकेस का राज सीबीआई खोलती है तो आखिरकार शक के घेरे में कौन घिरता है और किसका पर्दाफाश होता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।